First question we are having, a function is continuous at x is equal to c. ये हमें given है यहाँ पे function continuous होगा at x is equal to c if the function is defined at x is equal to c and if the value of the function at x is equal to c equals the limit of the function at x is equal to c. ये concept आपने किया हुआ है, limit extends to c. f of x is equal to, अगर f of c है, then we used to say that the function is continuous. Based on the information given above, answer the following questions. Question number one है हमारा, the relationship between a and b so that the below function is continuous at x is equal to 3. और f of x हमें given है, ax plus 1 if x is less than equal to 3 and this is bx plus 3 if x is greater than 3. इस तरह का question है आपकी NCERT में भी, ठीक है? तो इन्होंने हमें पहले जो है यहाँ पे उसमें केस स्टडी में जो इंफॉर्मेशन दी वो ये दी कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस कब होगा. सेकंड, अब हमें इसमें क्या करना है, वी आर टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3. फंक्शन आपका जब हमने इस तरीके से गिवन होता है, एक्स लेस देन इक्वल टू या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वी यूज टू फाइंड की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दैट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट एंड दैट शुड बी इक्वल टू द लिमिट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट जहां पे हमने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3. अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 फ्रॉम माइनस साइन. 3 फ्रॉम माइनस साइड मीन्स x लेस देन 3 लेके चलना है, तो दिस इज ए एक्स प्लस 1. जब आप x को 3 पुट करोगे यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी आपकी 3a प्लस 1. नाउ वी आर टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट में वी विल बी हैविंग दिस लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम प्लस साइड. 3 फ्रॉम प्लस साइड यानी कि x इज ग्रेटर देन 3, तो f ऑफ x आ जाएगा हमारा bx प्लस 3. And when you will put x is equal to 3, so we will be having 3b plus 3. Again, equal to के लिए, this will again be 3a plus 1. f of 3 भी आपका 3a plus 1 है. अब f of x is continuous at x is equal to 3 if 3a plus 1 is equal to 3b plus 3. So we are to find the relation between a and b. तो आप इसको simplify कर लेंगे. 3a minus 3b is equal to 2. So this will be your answer. 3a minus 3b is equal to 2. क्लियर है ये? चलिए अगले पे. अब नेक्स्ट में वो हमें कह रहे हैं कि इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दीज आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी. एक्स इक्वल टू सी पे अगर ये आपकी फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं, देन एफ ऑफ एफ प्लस माइनस जी इज, ये ऑप्शन है, इसमें से यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. एफ प्लस माइनस जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी. एफ प्लस माइनस जी इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी. देन द थर्ड ऑप्शन इज एफ प्लस माइनस जी मे और मे नॉट कॉन्टिन्यूस this may or may not continuous and the fourth option is none of the above. Fourth option है हमारे पास none of the above. So Aditya, can you answer this question? We are given f of x and g of x are two continuous functions at x is equal to c. We are to choose the correct option out of these four.
I'm giving you the option to unmute. You can unmute yourself and tell me the answer. Aditya, unmute yourself. Yes, ma'am. Give me the answer, Vachin. Yes, ma'am. Question is clear? Yes, ma'am. So what will be the option, correct option? You have done the properties. Why? Humne properties ki hui hai? Kya properties ki? अगर दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो उनका सम या डिफरेंस इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस और यू कांट से अबाउट दिस सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस यस इट्स ऑप्शन ए इफ वी आर हैविंग द टू फंक्शंस एज कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस तो उनका सम ले लें या डिफरेंस ले लें दैट विल ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर Then next we are having f of x is equal to sine 2x upon x if x is not equal to 0. इसी का पार्ट है थर्ड क्वेश्चन है ये दिस इज sine 2x upon x if x is not equal to 0. And then we are having this as 1 if x is equal to 0. So the options we are having is f of x is continuous, discontinuous. Same options hain yahan wali. F of x is continuous. Then second option discontinuous. Then may or may not be continuous. And the D option is none of these. हाँ जी बताओगे? ये function given है f of x is equal to sine 2x upon x if x is not equal to 0. अगर x equal to 0 है then the function is 1. We are to tell whether f of x is continuous, discontinuous, may or may not be continuous. Continuity check करनी है हमने simply. ये फंक्शन मुझे गिवन है आई हैव टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट क्या करेंगे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं हाँ क्या आएगा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए एफ ऑफ जीरो तो क्लियर कट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज इक्वल टू वन ठीक है अब लिमिट हमने निकालना है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे ले लेते हैं इसको सीधा क्या बन रहा है ये साइन टू एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो क्या करेंगे अब इसको प्लस वन में किया हुआ है कंसेप्ट लिमिट साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन साइन के साथ जो आपका एंगल होता है वही अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे एंगल क्या है हमारा 2x बट यहाँ पे क्या है x तो पहले इस x को क्या बनाना पड़ेगा 2x फॉर दैट व्हाट वी विल डू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 तो ये आ गया आपका 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x नाउ दिस इज इक्वल टू 1 तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 अब ये हमारे पास 1 है ये हमारे पास 2 है विल द फंक्शन बी कॉन्टिन्यूस क्यों कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन होती है हाँ जी पता लग रहा है इतने दिन आप घर पे बैठ के आए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट शुड बोथ बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट जिस पे आप चेक कर रहे हो अब ये हमारे पास 2 आ गई लेफ्ट भी और राइट भी और ये 1 है 2 इज नॉट इक्वल टू 1 तो फंक्शन विल बी डिसकंटीन्यूअस क्लियर Now the next, f of x is equal to mod x upon x. वही सारे बुक वाले क्वेश्चंस हैं, सिर्फ जो आपका कह लो कि वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन है, that has been changed. Mod x upon x हमें गिवन है, if x is not equal to 0, and 0 है, if x is equal to 0.
options are same, continuous, discontinuous, may or may not be continuous, and none of these. जहां पे मॉड आ गया मीन्स यू हैव टू री राइट द फंक्शन. अब इसको जब हम री राइट करेंगे फंक्शन को क्या बनेगी, x लेस देन जीरो के लिए क्या बनेगी, सक्षम बताएंगे आप? माइनस x अपॉन x फॉर x लेस देन जीरो, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, इक्वल टू के लिए तो बस गिवन ही है हमें, ग्रेटर देन के लिए सो दिस इज माइनस वन दिस इज प्लस वन. देख के ही पता लग रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कि डिसकॉन्टिन्यूस होगा. फंक्शन विल बी डिसकॉन्टिन्यूस क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन आ रही है, राइट हैंड लिमिट प्लस वन आ रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो जीरो आ रही है, तो तीनों आपके डिफरेंट है सो द फंक्शन विल बी डिसकॉन्टिन्यूस. नाउ द नेक्स्ट वन, इसमें अगेन जो हमें केस गिवन है दैट इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एफ ऑफ एक्स हैज. अब ये आपकी थ्योरी है, सारी बुक में गिवन है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी बताई हुई है आपको कब होती है, तो इट्स रिगार्डिंग दैट ओनली. डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हमें गिवन है यहाँ पे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो a my f of a minus h and limit h tends to zero f of a plus h both exist but are not equal. ठीक है, ये जो हमारी discontinuity होती है this is called irremovable, कि इसको हम remove नहीं कर सकते. जब हमारी left hand और right hand limits दोनों different आ रही हैं, इनको हम remove नहीं कर सकते. So this is irremovable discontinuity, या हम इसको first kind of discontinuity भी कहते हैं. Then we are having the second kind of discontinuity. Yeah, discontinuity of second kind also you can say. So that is given by limit if none of the limits a minus h and a plus h exist. अगर इनमें से कोई भी limit जो है वो आपकी exist नहीं कर रही है. Then removable discontinuity, कि जिसको आप रिमूव कर सकते हो डिसकॉन्टिन्यूटी को और आप उसको कॉन्टिन्यूस बना सकते हो. इसमें क्या होता है, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो हमें इक्वल गिवन होती है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h, बट बोथ ऑफ दीज आर नॉट इक्वल टू f ऑफ a. ये दोनों आपस में इक्वल होती है बट f ऑफ a के इक्वल नहीं होती. तो इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, कि अगर हम f ऑफ a को भी इनके इक्वल कर दें देन दिस डिसकॉन्टिन्यूटी कैन बी रिमूव. तो ये जो है दिस इज द रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी. अब इसके बेसिस पे हमने जो है आंसर्स देने हैं. हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9. अपॉन x माइनस 3 for x not equal to 3 and 4 for x is equal to 3 if f of x is equal to x square minus 9 upon x minus 3 for x not equal to 3 and 4 if for x is equal to 3 at x is equal to 3 we are to check whether the function is has removable discontinuity. Function is continuous, it has irremovable continuity and discontinuity and none of the above. हमें चेक करना है whether the function will be having irremovable discontinuity. ठीक है, function continuous होगा या नहीं होगा. पहला option है function has removable discontinuity, second है f is continuous, third है it has irremovable discontinuity and the fourth one is none of the above. क्या करेंगे,
एट एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपकी सेम बनेगी, ठीक है, क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री, कौन सी फॉर्म बन रही है जब आप एक्स को जीरो थ्री पुट करोगे, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, प्लस वन में किया हुआ है, क्या करते हैं इसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को रीराइट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ इट्स फैक्टर्स, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये कैंसिल आउट हो जाता है, व्हाट वी आर लेफ्ट विद एक्स प्लस थ्री, प्लस वन में ऐसे ही किया था, तो ये फंक्शन आपका अब हो गया है यहाँ पे, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब एफ ऑफ थ्री मुझे फोर गिवन है और यहाँ क्या आएगा, सिक्स बन रहा है, तो हाउ कैन दिस बी, कैन दिस बी रिमूव्ड, ये डिसकॉन्टिन्यूटी रिमूव कर सकते हैं, थ्री फ्रॉम माइनस साइड लेके चलूं, थ्री फ्रॉम प्लस साइड लेके चलूं, थ्री माइनस एच थ्री प्लस एच विल ऑलवेज गिव मी सिक्स, दोनों के लिए मुझे सिक्स मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गए, यहाँ पे जो आपका एफ ऑफ थ्री है दैट इज द डिफरेंट वन, वो आपको डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, और हमने क्या कहा था, रिमूवेबल कब है, व्हेन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स आर इक्वल एंड जो आपका एफ ऑफ ए है वो इक्वल नहीं होता, तो उसकी वैल्यू को चेंज करके हम फंक्शन को क्या बना सकते हैं, कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट थ्री माइनस एच और थ्री प्लस एच जब आप इसको पुट करोगे, ये आपका फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देगा, बट एफ ऑफ थ्री की वैल्यू आपकी फोर आ रही है, इसको भी अगर हम सिक्स बना देते हैं देन दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो इसको हम अगर सिक्स दे दें मीन्स जो आपका फंक्शन है दैट हैज रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, क्लियर है क्यों रिमूवेबल है। नाउ द नेक्स्ट वन सेम इसी तरीके से है, ऑप्शन है हमारे पास, कॉन्टिन्यूटी हमने चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू फोर, If x is less than equal to 4, less than equal to 4 के लिए this is given to be x plus 2 and this is x plus 4. Same options हैं. F has removable discontinuity, irremovable discontinuity or is it continuous? अब यहाँ पे देखो function मुझे less than के लिए अलग given है, ग्रेटर देन के लिए अलग गिवन है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मुझे अलग अलग निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे वो नॉट इक्वल टू था तो इकट्ठी हमने निकाल दी थी, यहाँ पे लेस देन के लिए अलग फंक्शन गिवन है, ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन गिवन है, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी, क्या आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट बताइए क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए व्हाट विल बी द फंक्शन, एक्स प्लस टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, फोर प्लस टू यानी कि सिक्स, राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी, एक्स प्लस फोर, तो फोर प्लस फोर विल गिव अस एट, इज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, नो, तो ऊपर से चेक करो क्या आएगा, कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, फर्स्ट काइंड वाली है, क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बट LHL is not equal to RHL, so this is an irremovable discontinuity. जब भी आपकी left hand limit और right hand limits equal नहीं आ रही होती, तो हम कहते हैं कि जो हमारी ये है discontinuity है, that is irremovable. आप इसको remove नहीं कर सकते. Now the next one. X minus mod x upon x if x is not equal to 2 and x is equal to 2 pe this is given to be 2 ab mod aa gaya to fir se left hand limit right hand limit dobara मतलब अलग अलग कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लेके चलोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स प्लस एक्स बाई एक्स हो जाएगा और एलएचएल के लिए ये टू आ गया, अब एलएचएल बताओ क्या आएगा,
मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। आर एच एल जीरो आ जाएगा और एल एच एल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लेके चलोगे जब आप एक्स लेस देन जीरो लेके चल रहे हो, क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स और ये आ जाएगा आपका जीरो और आर एच एल आ जाएगा आपका टू। अब जीरो नॉट इक्वल टू टू, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है? इररिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी कि इररिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। अब ये टाइप क्लियर है कि इसके कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू सी इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ये डेरिवेटिव की आपकी डेफिनेशन गिवन है। कुछ पूछना है ध्रुव तो मेरे से पूछ लो, बातें नहीं आपको। डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू सी इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो f of c plus h minus f of c upon h. A function is said to be differentiable at a point c if left hand derivative at x is equal to c is equal to the right hand derivative at x is equal to c. Similarly, a function is said to be differentiable in an interval a comma b, open interval hai ye, if it is differentiable at every point of open interval a comma b. Based on the above information, answer the following questions. Question number one hai, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स इज, ऑप्शन माइनस साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स, हाफ ऑफ साइन रूट एक्स। डेरिवेटिव निकालना है सिंपली, क्या आएगा? कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉ वाले सभी माइनस, तो माइनस साइन, ये एंगल एज इट इज। अब ये आपका फर्दर डिफरेंशिएबल है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन बाय टू रूट एक्स। सो दिस ऑप्शन विल बी योर आंसर। तो इस वाले, इन वाले क्वेश्चंस में सिंपली आपने डेरिवेटिव निकालना होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू वन बाय टी एंड एक्स इज इक्वल टू लॉग टी स्क्वायर, देन डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 by 2t minus t by 2 minus half t and t by 2. dy by dt क्या आएगा? 1 by t का डेरिवेटिव minus 1 by t square, t to the power minus 1 लेके कर लोगे, और dx by dt क्या आएगा? 2 log t, ये कह रहे हैं। ये डेरिवेटिव आया कि इसको रीराइट किया है? लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है जी? ये हमने लॉग एम रेस टू पावर एन को एन लॉग एम लिख दिया। अब टू लॉग टी का डेरिवेटिव क्या है? टू बाय टी। अब डी वाई बाई डी डी टी डी एक्स क्या आएगा? माइनस, क्यों? अगर ऐसे कंफ्यूजन रहती है ना, ऐसे लिख लिया फिर कभी गलती नहीं हुई। क्या बनेगा अब? ठीक है जी, ये तरीके से लिख लो, कभी गलती नहीं होगी अगर ऐसे नहीं समझ आता। dy वाली टर्म ऊपर लिखनी है, x वाली टर्म जो है वो नीचे लिखनी है। इफ y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x, फाइंड dy बाई dx।
Anshita, unmute yourself and tell me this how to solve. Anshita, are you there? Shitij, I have given you the option to unmute. So in sabki mein aaj absent marks mark kar rahi hu. Those who are not answering, it means they are just not there. They have just turned on their this meeting on aur khud gayab hai. Dhruv Sharma, again no response. Gunjot, Sia, bache, you are having the option to unmute yourself. You can unmute and answer the question. नहीं आता तब भी आप unmute करके ये कहो कि नहीं आता ताकि मुझे पता लगे कि you are there. अभय, वंशिका, रोहन, विल यू आंसर? सो आई होप आज तो सभी ने मीटिंग ऑन करके खुद सारे गायब हैं. बिकॉज आई हैव गिवन यू द ऑप्शन टू अनम्यूट. सुप्रिया, लक्ष्य, चलो जी आप बताओ. ध्रुव, क्वेश्चन क्या है? डेरिवेटिव है. फाइंड डी वाई बाय डी एक्स. हाँ जी, क्यों, क्या इजी होगा इसमें, क्या मुश्किल है? हाँ फिर बताओ, वाई का डेरिवेटिव. हाँ जी, क्यों? हाँ जी, ठीक है. साइन वाई का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस. वाई एज इट इज, अब ये वाई फर्दर डिफरेंशिएबल है तो डी वाई बाय डी एक्स. दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. अब क्यों मुझे डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकालनी है? हाँ ओके. अब ऑप्शंस क्या है वो सुनो. ऑप्शंस है माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन वाई, कॉस वाई अपॉन वन प्लस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन वाई. कौन सी ऑप्शन थी? ए. तो ऑप्शन ए इज योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन. सेवन टू द पावर x प्लस वन बाय x का डेरिवेटिव निकालना है आपको. सेवन रेज टू पावर x प्लस वन बाय x. फाइंड द डेरिवेटिव. ए टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स होते हैं. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर कोई बैठा हुआ है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. यस लक्ष्य. मैम ए एक्स लॉग ए टू द बेस ई. यस, ए टू द पावर एक्स लॉग
ए, बेस ई ही हम लेके चलते हैं, तो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव? 7 to the power x plus 1 by x. हाँ तो पहले क्या आएगा? ये और कुछ करना है इसको? खत्म किसका? x प्लस वन बाय एक्स का क्या आएगा? ये एज इट इज. अब इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव इज 1 और 1 बाय x का डेरिवेटिव इज वो भी 1. हाँ माइनस 1 upon x square. ये छोटे छोटे डेरिवेटिव स्टेप्स पे होने चाहिए आपके. सो दिस विल बी योर आंसर. आप अगर आगे चाहो तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 upon x square. नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 upon b tan इनवर्स x by b. प्लस 1 upon a tan इनवर्स x upon a. अब ये क्वेश्चंस देख के आपको पता लग रहा है कि काम आपका इजी नहीं है. जो डेरिवेटिव्स वाला बुक का चैप्टर है उसी में से ये बने हुए हैं क्वेश्चन, और कैलकुलेटिंग पार्ट आपका ज्यादा है. टाइम बिल्कुल, मतलब कह लो कि लेवल टू लेवल आपका पेपर खत्म होगा, तो स्पीड अपनी फास्ट रखनी है अगर पेपर पूरा करना चाहते. क्या आएगा टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कुछ याद आया? 1 upon 1 plus x square. ठीक है, अब x की जगह x by b और into derivative of x by b साथ में लेके चलोगे. तो दिस यू विल कंप्लीट योर सेल्फ. सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो. कल assertion reasoning भी करवाऊंगी मैं इसी चैप्टर की. As most of the students have just turned on the